मध्य पूर्व के चार देश तुर्की, सीरिया, लेबनान और इसराइल सोमवार सुबह आए भूकंप से दहल गए हैं। यहां 12 घंटे में बड़ा भूकंप आया है। सबसे ज्यादा तबाही तुर्की के उपरिद्र केंद्र और सीरिया के आसपास के इलाकों में देखी जा रही है। समाचार एजेंसी रॉयल्स के मुताबिक तुर्की में अब तक 1651 लोगों की मौत हो चुकी है, 11,000 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सीरिया में अब तक 968 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इस भीषण प्राकृतिक आपदा से हुई तबाही और जानहानि के बाद तुर्की में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। तुर्की मीडिया के मुताबिक 3 बड़े झटके लगे। पहला तुर्की समय लगभग 4 बजे 7.8 और दूसरा लगभग 10 बजे 7.6 और तीसरा दोपहर 3 बजे 6.0 पर। इसके अलावा 78 झटके महसूस किए जाने गए हैं, जिसकी तीव्रता 4 से 5 थी। सीरिया में 968 लोगों की मौत हुई थी, 2,000 से ज्यादा लोग घायल हुए। दोनों देशों में मरने वालों की संख्या 2,600 से अधिक हो गई है। लेबनान और इसराइल में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, लेकिन किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे USGS ने हैरान कर देने वाली बात कही है। इसके आंकड़ों के मुताबिक तुर्की में मरने वालों की संख्या 1,000 तक पहुंच गई है, यहां संख्या 10,000 तक पहुंच सकती है। USGS ने कहा कि 1949 में 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था और तब 30,000 लोगों की मौत हुई थी। 1999 में यहीं पर 7.2 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें 845 लोग मारे गए थे। तुर्की के राष्ट्रीय रिसेप तैयब एर्दोगन ने ट्वीट किया है कि भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में बचाव कार्य जारी है। भूकंप के दौरान कम से कम 6 झटके महसूस किए गए हैं। एर्दोगन ने लोगों से ध्वस्त इमारतों में न जाने की अपील की है।